ये दुखद है, ये दुखद है। किसी भी दल में जो महिलाएं हैं उनके उनके प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कि चिराग पासवान जी, आपका मुंह उस समय बंद हो गया था। देखिए प्रधानमंत्री जी 10 साल में कुछ किए नहीं, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन की बिल्कुल एक लहर चल पड़ी है, जिस तरह से हम मुद्दों को लेकर के गए थे जनता के बीच में, और वहीं पे हमने बताया कि एनडीए गठबंधन किस तरह से अपने वादे को पूरा नहीं किया, उन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। उनके 40 में से 39 सांसद वहां से जीत करके जाते हैं और कोई काम नहीं हुआ। बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला। बेरोजगारी के मुद्दे पे भी ये लोग नाकाम रहे। प्रत्येक वर्ष उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी होती है, उसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, और एक तरफ आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और वहीं पे आप देखें ना कि 17 में से कितनी महिलाओं को इन लोगों ने जब 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 अधिकार देने की बात आई, जब हिस्सेदारी देने की बात आई, तो कितने सांसद उम्मीदवार इन लोगों ने दिए? एक भी नहीं दिया। देखिए ये दुखद है, ये दुखद है। किसी भी दल में जो महिलाएं हैं उनके उनके प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी के भी द्वारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और भाजपा के जितने भी और एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं और चिराग पासवान जी से भी मेरा एक प्रश्न होगा कि चिराग पासवान जी, आपका मुंह उस समय बंद हो गया था जब सम्राट चौधरी ने पिता और पुत्री पे, मेरी बहन और मेरे पिताजी के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी, तो आपको तब तकलीफ नहीं हुई थी? तब आपने क्या रिएक्शन दिया था? क्या कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री जी को कहा? तो कथनी और करनी में फर्क मत करिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सम्मान किसी भी दल की महिलाएं हो, खास तौर पे देश की कहीं की भी महिलाएं हो, उनके प्रति किसी भी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए, और ये निंदनीय है, और मैं इसकी घोर आलोचना। पीएम आते हैं चाहे दिल्ली से जो लोग आते हैं, उनको दो ही चीज दिखाई देता है, आरजेडी और जंगल राज। लगातार हमले हो रहे हैं आरजेडी पे, जंगल राज की बात लगातार कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी 10 साल में कुछ किए नहीं, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, आरजेडी पे भाषण देते हैं। बट आरजेडी पे भाषण देने से बेरोजगारी दूर हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बिहार को स्पेशल पैकेज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। वो कब मिलेगा? जो आपने वादे किए थे उसको आपको पूरा करके दिखाना है। वहीं हम मुद्दों के साथ हम बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर खत्म करेंगे, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम रोजगार देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। तो ये सब मुद्दे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ने पूरी भरोसा इंडिया गठबंधन के प्रति। पे चुनाव हो रहा है बिहार में, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है पाटलिपुत्र और छपरा। देखिए ये क्योंकि परिवार के सदस्य यहाँ से लड़ रहे हैं, इसलिए इसको एक चर्चा में हमेशा बना रहता है, और कोई बात नहीं है। जैसे आम 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसी तरह से ये भी हैं, हम लोग भी प्रत्याशी हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो एनडीए ने सवाल उठाया कि लालू जी प्रचार नहीं कर रहे हैं, और जब छपरा गए हैं तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ उनका अंदेशा हो गया, इसलिए छपरा में कैंप किया। नहीं नहीं, अंदेशा क्या हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो कर्म भूमि रही है छपरा, वहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। छपरा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है डेवलपमेंट पे, जब वो रेल मंत्री थे उन्होंने फैक्ट्रियां वहां पे दी है, तो और क्यों नहीं जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन तो इस संसार का नियम है।